नमस्कार, एखन अपने सब सुनि रहल छी जनकनंदनी FM 95.5 MHz आ कार्यक्रम चुनावी चर्चा लऽ कऽ उपस्थित भऽ चुकल छी हम राजन सिंह। श्रोता लोकनि, अपने सबके जानकारी करा दी जे कार्यक्रम चुनावी चर्चा अपने सब सुनि सकै छी मात्र जनकनंदनी FM 95.5 MHz पर आ जनकनंदनी FM के फेसबुक पेज जनकनंदनी FM 95.5 MHz आ यूट्यूब चैनल जनकनंदनी FM SDTV पर सेहो अपने सब देख सकै छी। हमरा लोग खास कर अखन कार्यक्रम में बातचीत करे छी चुनाव केंद्रित भक जे आगामी चुनाव हो वाला वही पर लक्षित भक विशेष कर कार्यक्रम में बातचीत करे छी। आ कार्यक्रम में आने दिन जका आईसीओ हमरा लोग स्टूडियो में आमंत्रित कयने छी एक गोटे अतिथि के, हुनका संगे अपने सबके परिचय कराब जा रहा छी। ओ छथि जसपा नेपाल के प्रभावशाली युवा नेता जितेंद्र यादव जी, जे कि अखन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख श्रमिकी सचिव से हो सकती। तो जितेंद्र जी, अपने के स्वागत है इस कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। धन्यवाद। अपने जसपा में लागल छे आ चर्च इहो चल रहा है जे अपने जसपे से क्षेत्र नंबर 3 से प्रतिनिधि सभा में चुनाव से हो लड़ा के एक टा सोच बनेने छे। तो जखन देखबे अपने के खास कर जे क्षेत्र नंबर 3 कांग्रेस के गढ़ मानल जाय छे, एहन अवस्था में जे जसपा के एक टा निक संगठन नहीं बनि सक रहल छै, ओहि समय में अपने क्षेत्र नंबर 3 से मतलब कोना का चुनाव लड़क के योजना बनाए रहा छी? सर्वप्रथम अपने जे जिज्ञासा रख ली जे क्षेत्र नंबर 3 के से अपने चुनाव लड़क के एकटा इच्छा आकांक्षा रखने छी। ये अपने के धन्यवाद देव चाहे छी, कम से कम अपने संपूर्ण जनता में ये संदेश दिलिए कि जितेंद्र यादव क्षेत्र नंबर 3 में छै। संग संगे हम बात कर चाहब जे नेपाली कांग्रेस के अपने जे तरह से गढ़ के बात कर लिए जे एहन गढ़ में अपने के संगठन नहीं है, तो हम कह चाहब कि अखुन तक में जे भी पार्टी जेना भेलै है, पार्टी विचार सिद्धांत और पार्टी के जे उद्देश्य और लक्ष्य है, वो लक्ष्य के साथ साथ ही संगठन अगाड़ी बढ़े। जेना अहाँ के विगत में जतेक भी परिवर्तन भेलै समय सापेक्ष विभिन्न पार्टी के अपन अपन उद्देश्य के साथ ही संगठित भेलै और जनता एकीकृत भी भेलै। तही के तहत अखनो जनता समाजवादी पार्टी एकटा समाजवाद के अभियान के रूप में देश के समृद्ध और सुशासन कायम करय के लेल और जै तरह से समावेशी संघीय व्यवस्था के स्थायित्व के लेल जै तरह से पार्टी अगाड़ी बढ़ चुकल है, आम नेपाली जनता ये बुझ रहल है कि जनता समाजवादी पार्टी वैकल्पिक शक्ति के रूप में उदयमान भ रहल छे और अ वैकल्पिक शक्ति में सब अपन अपन भविष्य भी देख रहल है, जना युवा सब के अपन भविष्य है और संपूर्ण उत्पीड़ित जात जाति के जे पिछड़ल वर्ग सब छले है, अधिकार से वंचित वर्ग सब छले है, से अपन अधिकार वास्तव में जनता समाजवादी पार्टी में ही देख रहल है। और एकटा हम युवा के नेतृत्व केनहार अपने शुरुए में कहलिए प्रभावशाली युवा नेता, वास्तव में हम अखनो युवे छी और युवा के एकटा नेतृत्व ली से सोच के साथ और संपूर्ण उत्पीड़ित जात जाति के नेतृत्व ली ओकर अधिकार स्थापित करे के लिए नेतृत्व ली, ते दुआरे हम क्षेत्र नंबर 3 से हम अपन चुनाव के एकटा स्वेच्छा जाहिर कैली और पार्टी भी वही के हमरा सबके पार्टी भी जनता समाजवादी पार्टी भी युवा के पार्टी भेला के कारण युवा के ज़्यादा प्राथमिकता देला से की भ रहल है कि अखनो संगठित भ रहल है, जे देखते हेबे जे कांग्रेस के गढ़ मानल वाला जगह पर आए मुखिया पट्टी मुसरनिया किया नहीं हुए या अहाँ के धनौजी गाँव पालिका किया नहीं हुए या अहि अहाँ देखते हेबे जे जनकपुर उप महानगर पालिका जे क्षेत्र से संबंधित वार्ड सब है या अन्य पाल वाड़ा सब किया नहीं है, देखते हुए जे एक लहर है जे विभिन्न सामाजिक संजाल हो या मीडिया हो अपने ही सबके माध्यम से जनता में एक मैसेज दे रहा है कि वास्तव में जे किस्म के ठग के पॉलिटिक्स जे विगत में भेले, आशा बहुत रहे नेपाली कांग्रेस पर लेकिन आशा के पूरा अहाँ के मधेसी जनता के निराश कलके और अ निराशा के वजह की है कि वैकल्पिक शक्ति के रूप में अगर केकरो अगर छनौट कलके तो जनता समाजवादी पार्टी है और अ के बहुत बड़का पृष्ठभूमि है कि परिवर्तन के एक संवाहक के रूप में संघ्यता स्थापित करे के लिए
और समावेशी लोकतंत्र स्थापित करे के लिए, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र और धर्म निरपेक्षता के कायम करे के लिए वैकल्पिक शक्ति के रूप में उदयमान भेला के कारण से देश में एटा जसपा के लहर आबि रहल है। ते दुआरे ए पार्टी के संपूर्ण जनता आत्मसात कर रहा है, अपनत्व भी ग्रहण कर रहा है और लहर है। जितेंद्र जी अपने के जोड़ चाहब जना अपने के जसपा के अखन मध्य प्रदेश के सरकारें जसपा नेतृत्व कर रहा है, जना नेपाल सरकार बहुत रास गौरव के आयोजना सब लेने से अपने बहुत नजदीक छे इस सरकार के, लेकिन ये प्रदेश सरकार खासे कोनो गौरव की योजना लाभ नहीं सकल छे। एहन में जसपा पर जनता विश्वास केना करते? देखल जाए सबसे पहले सामाजिक रूपांतरण के लिए जनता समाजवादी पार्टी अगाड़ी बढ़ल है। हम तो खुनते कहलिए जोड़ चाह लिए जे संपूर्ण उत्पीड़ित जात जाति या समुदाय या वर्ग के आगे है, जना महिला एक वर्ग है और दलित एक समुदाय है, दलित एक वर्ग है, मुस्लिम भले या सीमांतकृत समुदाय पिछड़ा वर्ग के आगे है, संपूर्ण के अधिकार अपनत्व तो ग्रहण करत एन निर्माण से लगे अगाड़ी बढ़ चुकल है। नंबर वन। दोसर बात की है कि सामाजिक रूप से सामाजिक न्याय और या सामाजिक रूपांतरण के विषय में जना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के अगाड़ी बढ़ेल के, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान एक कति है कि गौरव के योजना रहे, स्वच्छता अभियान भी गौरव के योजना रहे, कृषि कृषक सबके सबके उत्थान करे के लिए भी एक गौरव के योजना रहे, लेकिन की भेले कि कर्मचारी तंत्र के अभाव के कारण कर्मचारी नहीं भेला के कारण से बहुत चीज वास्तव में प्रदेश सरकार नहीं कर सकल, माना पड़ते रह गए देश में कि परिवर्तन के लिए अग्रगामी शक्ति और परिवर्तनकारी शक्ति के बीच के एक जुदाई भेले, जे आंतरिक रूप से भी किएक नहीं हुए या बाहरी रूप से किएक नहीं हुए, देश में राजनीतिक अस्थिरता कायम रहले। राजनीतिक अस्थिरता कायम भेला के कारण कि भेले कि जे शक्ति सब जे मधेश आंदोलन के या मधेश के भावना के विपरीत रहे ओहो शक्ति सबके एकीकृत भ के गठबंधन के सरकार के निर्माण भेले, जे के उपज की भ रहल है कि नेतृत्व के सवाल उठे जी। और विकास के जतेक भी अपने देखते हुए कि विकास के जतेक भी मंत्रालय रहे ये संपूर्ण मंत्रालय के पूर्व में लोसपा अखनो लोसपा कहे जितेंद्र सोनल जी से पूर्व में राजपा के सारा भागवंडा पड़ल रहे, तेहने अखनो देखते हुए तो विकास के निर्माण के जो मंत्रालय सब है वो मंत्रालय अहाँ के कांग्रेस के जना कांग्रेस के संसद दल के नेता ही आई के भौतिक तथा पूर्वाधार मंत्री छत, तो मतलब विकास के सारा चीज के अवस्था वही केंद्रीकृत है। तो कैला भेले कैला कि भावना के विपरीत भी अग्रगमनकारी शक्ति सबके एक जगह एक गठबंधन बनले और प्रतिगमनकारी जे के पी शर्मा ओली जी संघे लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल ही जे समाप्त कर के योजना में खेल में रहे वही के खेल के परास्त कर के लिए जे आई अखुन तो देख रहा जे प्रमाणित भ रहा है आई के दिन तक भी आई देखते हुए कि राजावादी शक्ति सबसे आई एक आई तालमेल कक आई चुनाव में जा रहा है। कमल थापा और के पी शर्मा ओली के गठबंधन हुए, विवेकशील पार्टी जे है से संघीयता विरोधी पार्टी है और कमल थापा जे है जे अहाँ के संघीयता विरोधी पार्टी है या वो नेता है ओकरा सबसे तालमेल कक आई की कलक चुनावी तालमेल कलक ऐसे प्रश्न की देखा है कि नेकपा एमाले संघीयता नहीं चाहे इसे प्रश्न हुई। साथ साथ यहाँ देखते हुए कि कांग्रेस भीतर में भी गठबंधन के बहुत बड़का विरोधी तत्व सब है, जना अहाँ देखते हुए जे तालमेल गठबंधन गठबंधन के हिसाब से चुनाव में नहीं आना चाहिए, मतलब प्रतिगमनकारी शक्ति सब अखन तो देश पर हावी हुए जा रहा हुए के प्रयास कर रहा है। अई में अपना सबके जना अहाँ कहलिए शक्तिशाली क्षेत्र नंबर तीन के जे कांग्रेस बहुत शक्तिशाली है, तो वही नेता के हम कह चाहबे हमरा सबके ठीक है वो आदरणीय लोग छला है पहले, लेकिन वो उनकर व्यवहार जे है जे किछ न किछ परिवर्तन में मतलब सामंती व्यवहार के बहुत बड़का उपज भेले उनका विनय निधि जी के। आई देखै छी जे कांग्रेस के नेतृत्व नहीं स्वीकार कक कांग्रेस के सिद्धांत नहीं स्वीकार कक अहाँ की करे है कि वास्तव में संघीयता नहीं होना चाहिए या धर्मनिरपेक्षता नहीं होना चाहिए के विषय का इक्की कर रहे कि अपने के चुनाव के तालमेल में चाहे जो गठबंधन टूट जाए। तो के मतलब की भे गए कि जे परिवर्तनकारी मुद्दा सब या परिवर्तन से जे उपलब्ध मुद्दा सब है जना मधे ऐतिहासिक मधेश आंदोलन ऐतिहासिक
जनयुद्ध के सब प्राप्त या विभिन्न जात जाति के आंदोलन, जनजाति हुए, आदिवासी हुए या महिला हुए या मुस्लिम के हुए, विभिन्न आंदोलन सब प्राप्त उपलब्धि सब संस्थागत नहीं हुआ दी तय के प्रयास में की छै गठबंधन तोड़ के प्रयास में विमेनिधि लगायत जे शिखर करेला लगायत जे गठबंधन के विरोधी तत्व सब है अपने अखन जे गठबंधन जे भ रहल छै एकर प्रमुख बाधक अपने विमेनिधि जी के ल रहल छै बाधक उनकर ओते पहुंचे नहीं छै कहबै त अपना सब के समाज में अगर कही त हम सब बच्चा जे रही त कहे कथि फलना बाबू आबी मतलब बाबू साहब सब आबै तो अपना सब के की करे बाबू साहब सब अबे ना तो अपना सब की करिए भीतर घुसी आ जाइए या पहले अगर कोई मधेसिया कर्मचारी बाहर से अबे या मधेसी पावर में कनिको रहे नेता अबे तो अपना सब ओकरा सब के सामने ठारो नहीं हो सके लेकिन वो सब मधेसी ल अपन बहुत बड़का शक्तिशाली देखावे लेकिन यह पहाड़ी शासक ल जाकर गुलामी करे तो हमर कहना के कि उनकर ओते अस्तित्व भी नहीं है जे आई निर्वाचन से भी देखा पड़ गए आई देश में आखिर लिगेसी के विषय अगर रहे तो स्वर्गीय महेंद्र नारायण निधि जी के जे वास्तव में परिवर्तन के लिए देश में प्रजातंत्र लाभक लेल उनकर तो बहुत बड़का योगदान रहे ना अगर लिगेसिये के बात करी तो कोरेला के लिगेसी स्थापित करी कोरेला के पछाड़ी विमलेन निधि जबकि कोरेला से योगदान वास्तव में महेंद्र नारायण निधि के रहे उनकर लड़का स्वयं उनका तोहिन कर रहल छै नंबर वन आई गणेश मान सिंह के लिगेसी आई प्रकाश मान सिंह ल सकैए हमर कहना हम कत जोड़ चाहे छै कि मधेसी के ई कैरेक्टर है विभिन्न पार्टी में रहत तो अपना सब के समाज में बुझत कि हमरा सब पावरफुल हमरा सब बड़का लोग कोई नहीं है लेकिन काठमांडू जाए जाए सब बड़का उनकर जतेक बड़का वो देखेने रहे है तते बड़का काठमांडू में नहीं रहे है ते दुआरे उनकर हाइट नहीं है तो उन मात्रे नहीं है मतलब ओहो ऐके सदस्य छथिन जे गठबंधन नहीं हुए गठबंधन से गठबंधन सरकार नहीं रहे ते के सदस्य में एटा विमलेन निधि से अच्छा जेन जे अपनी प्रदेश सरकार जो से बहुत नजदीक छे एकटा महेशवादी सब इहो अपन दाबी कछ रहल छे जे अखन जे संघीयता छे जे हमरा सब के कारण से संघीयता छे आ ओ संघीयते अनुसार महेश सरकार से गठन भेल छे आ संयोग से महेशवादी दल के अब अखन जे सरकार होय शुरू में महेशवादी दुनू जसपा आ लोसपा मिलकर ई सरकार गठन कयने रहे या सरकार संचालन कयने रहे लेकिन कांडे कांड से सरकार भरलाय कारण से संघीयतापुर से स्थानीय जनता सब के सेहो विश्वास उठि रहल छै तऽ एहन में जे अपने सब एजेंडा लऽ कऽ जेबै जेना अखनी बात भऽ रहल छै जे मधेश के एजेंडा लै यऽ मधेश के अधिकार के बात करैए लेकिन सरकार में जाइए तऽ सब चीज बिसरि जाइए तऽ एना में तऽ जनता सब के विश्वास नहीं करब अहाँके संघीयता अखन वास्तव में कहबै ना तऽ हमरा सब के संघर्ष करय के लेल अखन तो 15-20 वर्ष लगतै यथार्थ बात यह है ई जे संघीयता के मोडालिटी कोरल के ओहि संघीयता से जे अपना सब के वास्तव में सम्पन्न अधिकार सम्पन्न ई प्रदेश नहीं भ सकल है ई यथार्थ है कैला कहै छी जे जगह पर प्रहरी नहीं है जे प्रदेश के अपन प्रहरी नहीं है जे प्रदेश के अपन कर्मचारी नहीं है जे प्रदेश के अपन स्वायत्तता नहीं है कोनो किस्म के वास्तव में कते टैक्स कते उठाएल जाए एहि किस्म के साधन स्रोत पर मतलब ओकर अपन अवस्था नहीं छै तो अहाँ देखल जाए कि एहन संघीयता के अवस्था की है एक मतलब ई नहीं कि हम सब संघीयता के मजबूत करे के अवस्था में नहीं छी जस्ट हम सब सरकार बनाबे के लिए से बात नहीं छै अहाँ देखैत हेबे कि अखन तो 46 से बेसी अहाँ के एन निर्माण भ गेल आई जो आई संघीयता छलै जैन मधेश प्रदेश छलै ते दुआरे आई देखैत हेबे जे कोनो देश में कोनो जो प्रजातंत्रकालीन से किया 2003 साल से अखन तक में कौन प्रतिष्ठान खुल रहे शहीद प्रतिष्ठान खुल रहे एकोटा इंस्टीट्यूट के देखा दी आखिर में तो देश के परिवर्तन करे के लिए महान वीर शहीद सबके तो बहुत बड़का योगदान रहे ना लेकिन आई यह मध्य प्रदेश सरकार है जे आई वीर शहीद सबके आई एक प्रतिष्ठान के रूप में संरचनागत रूप में निर्माण भेले जैमे संपूर्ण मधेसी वीर शहीद सबके या जनयुद्ध में ऐतिहासिक जनयुद्ध में भेल शहीद सबके सम्मान के स्वरूप उनका सबके अधिकार देल गेल रहे और अखन देखैत हेबै कि प्राविधिक विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत अन्य विकास क्षेत्र के या अन्य शैक्षिक क्षेत्र के निर्माण के विषय अगर करी तो ई सब की है कि सामाजिक रूपांतरण के विषय के लऽ कऽ एकटा एजुकेट कऽ दी ते अनुसार से अहाँ के आगाड़ी बढ़ल
दोसर बात की कि शैक्षिक स्तर केकर कम है तो हमरा यहाँ के प्रदेश कर्नाली प्रदेश के तुलना में अगर देखल जाए तो ओकर HDI जे है जे वास्तव में हमरा यहाँ के सबसे कम HDI एक प्रदेश के मध्य प्रदेश के है कैला कि महिला के भी हम यहाँ किन के लिए साक्षरता नहीं रेट बढ़ेलिए या साक्षर नहीं बनेलिए सरकार के नीति रहले ये। और दलित और मुस्लिम समुदाय जे बहिष्कृत में पड़ल समुदाय सब रहे वो दलित और मुस्लिम समुदाय के बहिष्कृत में पारा के लिए सब दिन शासक वर्ग अगाड़ी बढ़ले जे नेपाली कांग्रेस और नेकपा अपने आप के कम्युनिस्ट कहे तो वो ये की कल के कि ऐ समुदाय के जब तक अहाँ के अगाड़ी नहीं बढ़ेती है तो की होते समाज के रूपांतरण नहीं भ सके क्योंकि ओकर साक्षरते नहीं अगाड़ी है ओकर HDI अगाड़ी नहीं है तो केना अहाँ के कोनो भी विषय में अहाँ ओकरा प्रतिनिधित्व नहीं करा सकै छी ते दुआरे शैक्षिक रूप से ओकरा सबके अगाड़ी लाबक के लेल अहाँ के देखते हुए दलित सशक्तिकरण एन अहाँ के मुस्लिम के लेल अहाँ के मदरसा के विधेयक के अहाँ के टेबल कराल गेल रहे ओहिमे जे में नेपाली कांग्रेस और नेकपा MLA त अ सरकार पर तो बहुत वितंडना भी मचल के न जे मुस्लिम समुदाय के मोहम्मद लाल बाबू राव थे ते दुआरे हिंदुत्ववादी शक्ति सब के परिचालन क के आई मदरसा विधेयक जबकि 13% जनसंख्या मुस्लिम के है न तो 13% जनसंख्या भेल प्रदेश में अगर ओकर मान्यता अगर नहीं प्राप्त होते शैक्षिक मान्यता प्राप्त नहीं होते तो ओकर HDI तो नहीं बढ़ते। आई दलित जे बहिष्कृत है जे दलित सशक्तिकरण एन के तहत ही शिक्षा के अगाड़ी बढ़ाएल गेल है और अवसर में भी जै तरह से शैक्षिक स्तर बढ़ते तही तरह से ओकर अवसर में भी जना 18% दलित है या 13% मुस्लिम है या अन्य छे तो ओहू 13% और 18% के 50% महिला के अधिकार देल गेल है। मतलब जे उत्पीड़न में पड़ल या दबायल जे राज्य सत्ता से दबायल या शासक वर्ग से दबायल या कम्युनिस्ट और कांग्रेस से दबायल जे वर्ग सब रहे अ वर्ग के उत्थान करे के लेल शैक्षिक रूप से स्तर बढ़ाबी और ओकर अवसर भी सेवा मतलब सरकारी नौकरी में अवसर भी वही ओते प्रतिशत में दी कहीं कहते अहाँ के नियमे पास भ गए एक अर्थ की है कि HDI जब बढ़ेबे हम सब तखन तक की होते सामाजिक रूपांतरण होते चेतना भी हेते तै दुआरे अ चीज के लगा प्रदेश सरकार के ग्राह्यता में पड़ले कि नहीं अ चीज से पहले शुरुआत करी जे अखन लागू भ रहल है। तो हम कह चाहब कि कांडे कांड तो वास्तव में कहियो कथी कि जब साइकिल जिका जगह में जबकि भ्रष्टाचारी के अखाड़ा हम ये नहीं कह चाहे कि भ्रष्टाचार के पृष्ठपोषक होबक चाहे जे भ्रष्टाचारी में या भ्रष्टाचारी केने छे ओ व्यक्ति के कड़ा से कड़ा सजाए मिलना चाहिए ई हमर मूल्य मान्यता है। हम अपन अ जगह से भी हम कह चाहे छी यद्यपि जे साइकिल में भ्रष्टाचारी के जे तरह से कांड के अवस्था बनेलकै तो हम कह चाहे छी आए देश में जतेक भ्रष्टाचारी भेले या देश के अखुन जे अर्थतंत्र जे अवस्था में लेलके आप देखते हुए चैलेंज करे आप फेसबुक माध्यम से कि KP शर्मा ओली के पास में कते 100 करोड़ रुपया तक खाली कैश है। मतलब कि भ गेलै कि अर्थतंत्र के सबसे बड़का बाधक के है या अर्थतंत्र लाव वाला के है KP शर्मा ओली है कम्युनिस्ट सरकार है। हमर कहना की है कि जब साइकिल एकटा प्रत्यक्ष जनता के बेटी जे पढ़ के लिए ओकरा उत्साहित कलक तो वही में तो छानबीन क जे प्रक्रियागत त्रुटि रहे ते के सुधार क जनता में या बेटी सबके जे साइकिल के जे तरह से प्रोत्साहित कर के एकटा योजना ले रहे माननीय मुख्यमंत्री जी वो योजना के तो राष्ट्र सम्मानित सम्मान्य राष्ट्रपति जी धन्यवाद देने छथिन। अ देश में केहन विटंबना है कि सम्मानित राष्ट्रपति संस्था और ओकर सदस्य या वो संचालक सम्माननीय राष्ट्रपति जी पूरे मास में कहे थे कि लाल बाबू राउत या मधेश प्रदेश सरकार ले छोरी को लागी जति गरे को छ त्यो छोरी को लागी गरे को जुन अभ्यास हो त्यो सम्मानित अभ्यास हो र सम्मान म गर्न चाहन्छु कहे जे देश में देश के प्रमुख लेकिन किछ राजनीतिक झुनझुन्ना दुधुआ वाला सब के जे अराजक गतिविधि के निर्माण भेले ते के पृष्ठपोषक के रूप में प्रयोग के रूप में आए KP शर्मा ओली जी मधेसिये के नाम पर जे प्रयोग कलके ई बहुत लाजास्पद विषय हमरा अहाँ के समुदाय के विषय है। ते दुआरे हम कह चाहब
अहाँ के मीडिया मार्फत आई के अंतर्वार्ता के मार्फत कि हम सब सचेत रही, हम सब मधेसी छी, शोषित वर्ग में पड़े छी, ते दुआरे शोषित वर्ग के एकटा नेतृत्व के सरकार है, ओहि सरकार के जै तरह से बदनाम कर ली, ऐसे हमरा सबके घाटा भेल, हमरा सबके बचिया के आई बीमार रुकायल, आई हमरा सबके बचिया के आई हमरा साइकिल रुकायल, ते दुआरे अ चीज के जै तरह से अहाँ के राजनीति के लिए ये वास्तव में समाज के लिए बढ़िया काज नहीं कल, ते दुआरे उनका सबके आग्रह करबे कि अपने सब अ किस्म के गतिविधि नहीं निर्माण करू, राजनीति करे के ठाव बहुते है, अपन उद्देश्य लक अपन लक्ष्य लक अगाड़ी बढ़ी, अगर वास्तव में भ्रष्टाचारिये भेल है तब अ के निकाय है, सम्मान्य सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग है जो नेपाल में है, अहि जनलोकपाल जनलोकपाल बनल आयोग बनल ओहो एक छानबन छानबीन के आधार बना सके, तो हमार का नाम कथी है कि अ आधार सबके इंस्टीट्यूट सबके अपन काज कर के अगाड़ी बढ़नाई ही अपना सबके दायित्व रहे, ते दुआरे अ चीज के लक हम कह चाहब कि ई मतलब कांडे कांड नहीं कहल जाए, एक षड्यंत्र के रूप में एके हम सब लेब चाहे छे, संपूर्ण जनता लेब चाहे, आप तो अत तक कह चाहिए कि बेटी सबके साइकिलो छीन लेलक लोसपा होए चाहे के पी शर्मा ओली होए चाहे झुंझुना वाला पार्टी सब किया कि नहीं होए, धुधुआ वाला सब पार्टी किया कि नहीं होए, उ सब के आप समाज में ई मूल्यांकन भ रहल है कि बेटी के जै तरह से मुख्यमंत्री जी अगाड़ी बढ़ल के दलित के मुस्लिम के जै तरह के अगाड़ी बढ़ल के वर्ग के ही समाप्त करके योजना में लागल है, ते दुआरे जनता समाजवादी पार्टी ही एक एहन पार्टी है जे अधिकार संपन्न करे ते ई विश्वास के साथ जीतन जी के जसपा के अपने प्रभावशाली युवा नेता सेहो छी, जसपा पर एक हरदम आरोप लागल रहे एक निश्चित समुदाय वर्ग के पहुँच मात्र छै जसपा में, जे वास्तव में सगोल में सबके एक होबक चाहिए से नहीं हो पाबि रहल छै, एमे एक कतौ ने कतौ से जातीय गंध अबै छै, एक निश्चित जे समुदाय छै से एकरा कब्जा कऽ के धेने छै से आरोप बेर बेर लगैत आबि रहल छै। अब हम कह चाहब अपने सब तो प्राज्ञ पत्रकारिता में बहुत बड़का हासिल केने छी, अपने सब बौद्धिक पत्रकार छी, सम्मान करे छी, प्रश्न के भी सम्मान करे छी, भने अपने कह दिलौं, हम कह चाहब कथी कि ए पार्टी के एक बेर स्ट्रक्चर देख लेल जाए, ए पार्टी के स्ट्रक्चर अगर देख लेबे तो डॉक्टर बाबूराम भट्टराय संघ परिषद के अध्यक्ष छथिन, लेकिन अखन जहिया से गठन भेल तहिया से उपेंद्र जी अध्यक्ष छथिन, हम कह रहल छी अय डॉक्टर बाबूराम भट्टराय जी जे प्रधानमंत्री भेला के बावजूद भी संघीय परिषद के अध्यक्ष छथिन, या कम्युनिस्ट के पढ़ाव वाला कम्युनिस्ट की है से पढ़ाव वाला व्यक्तित्व हमरा सबके आदरणीय अशोक राय जी सेहो पार्टी के प्रमुख में छथिन, वरिष्ठ नेता छथिन, आई उपेंद्र हमरा सबके संघीयता के पिता जनक आई समावेशी लोकतंत्र के धारणा राखे वाला श्रोत राष्ट्राध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी आई एहिमे छथि, तेनाहिते अहाँ देखित हेबे कि अगर पहिल अवसर के रूप में किएक नहीं होए प्रदेश नंबर दुए सरकार के विषय में पहले पहले प्रदेश नंबर दुई अखनो मधेश प्रदेश के, तो प्रदेश मधेश प्रदेश के पहल मुख्यमंत्री आप तो गिनीज बुक में रहते तो के हेतु लाल बाबू राउत हेत वो तो यादव नहीं छथिन, आप गिनीज बुक में नाम रहते कि पहल मधेश प्रदेश के पहल प्रदेश मतलब प्रमुख के छलाह तो रत्नेश्वर लाल कैश छलाह, पहल अहाँ के मुख्य अधिवक्ता के छलाह दीपेंद्र झा जी छलाह, पहल अहाँ के योजना आयोग के नीति योजना आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के छलाह हरिवंश झा छलाह, अखनो वर्तमान भोगेन्द्र झा सर छथिन, आई रिसर्च के सबसे बड़का प्रदेश के रिसर्च करय वाला व्यक्ति के छथिन तो मुस्लिम समुदाय के सत्तार अंसारी छथि, हम कह चाहब जोड़ चाहब आई विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति के छथि साथ छथिन, आई मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति के छथि तो डॉक्टर राम केवल साहब, लेकिन प्रमुख तो निरंतर अब हम कहै छी हम कहि रहल छथिन कहि रहल छी मतलब अवसर में बाँट फाँट कत, आई मंत्रियों के अगर बात अगर करी तो आई देखते हेबे जौ यादवे के बात अगर होते तो ज्ञानेन्द्र यादव जी तो मंत्री पर से नहीं हटते ना, आई अहाँ के हमरा सबके राम नरेश यादव जी तो उद्योग वाणिज्य मंत्रालय तक रखने रहथिन ना तो वो नहीं हटते थे ना, आई नवल किशोर शाह जी आई की छथिन तो
मंत्री छत आए शैलेंद्र शाह अर्थमंत्री छत हमर का नाम की है आई के आइए के लाल लाल किशोर शाह जी ठीक छे आई तो परीक्षा के घड़ी है ना आई तो परीक्षा के घड़ी की वास्तव में माननीय उपेंद्र यादव हमारा सबके सरदार राष्ट्राध्यक्ष जी आई लाल किशोर शाह जी के अगाड़ी बढ़ेलखिन आइए मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम के मेयर के रूप में वो तो लाल किशोर यादव तो नहीं छथिन ये तो पही बहुत प्रमुख दायित्व है ना नगर पालिका के आई तो संपूर्ण जनता के तो सोचा पड़े ना वास्तव में उपेंद्र यादव की छत आई राष्ट्र सभा के जब जो एक भी अगर सीट मिले मध्य प्रदेश में तो यादव के नहीं दे मुस्लिम के दिलखिन मोहम्मद खालिद सिद्दीकी के ये तो प्रमाणित है ना जब वास्तव में वो यादवाद नहीं है लेकिन हमरा सबके यादवों के की भग रहा है संघर्ष यादवों कर रहा है राजनीतिक रूप से यादव प्रत्यक्ष रूप से अगड़ी बढ़ रहा है ते दुआरे अ चीज के ना संपूर्ण के संतुलित क संपूर्ण जात जाति जब तक उत्थान नहीं हेतु सबके पहुँच ऊपर नहीं हेतु जब तक ये वर्ग ऊपर नहीं हेतु संपूर्ण जात जाति के ऊपर नहीं हेतु तब तक समाजवाद स्थापित नहीं भ सकती है समानता नहीं कायम भ सके ते दुआरे समानता में आधारित समाजवाद के समाज निर्माण कर के एक बहुत बड़का ध्येय हमरा सबके हृदय राष्ट्राध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी लेने छथिन हमर पार्टी के नीति है ते दुआरे अ नीति के तहत हम अ नीति और सिद्धांत के तहत हम अपना आप के कहे छी कि हम शक्तिशाली एक कैंडिडेट छी शक्तिशाली नेता छी ते दुआरे हम क्षेत्र नंबर तीन रोजली अब क्षेत्र नंबर तीन अपने अपने रोजलिए हम क्षेत्र नंबर तीन से प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार है लेकिन देखियो तो जसपा के उम्मीदवार नहीं भेट रहा है अपने जनकपुर में जो लोकसभा से छे कल तक ले ओकरा अपने से इम्पोर्ट कर ले लिए मुखिया पति मुसरनिया में से हो अपने सब जो कांग्रेस से छे उनका अपने सब के लिए तो फिर अपने सबके कार्यकर्ता की करते जो जसपा में लागल से की करते एना छे कि यह तो गहना है जसपा के जसपा के गहने तो यह है जो आंदोलन से समाज निर्माण कर के लिए जतेक भी नेता कार्यकर्ता है वो अत्य प्रशिक्षित छथिन कि अत्यक उदारवाद है कि हमरा सबके तो ये नीति है जो अवसर दिला के बावजूद भी समाज के रूपांतरण हुए ते के तहत हमरा सबके की है कि आदर्श और विचार के लक जे तरह से प्रवेश की लहर है उनका सबके सम्मान करना भी हमरा सबके फर्ज लेकिन प्रवेश जे कर रहा थी से अपने के सहयोग नहीं वो तो लोभ लालच से प्रवेश कर रहा नहीं नहीं गलत बात है देखल जाए की छे अपने सबसे एग्रीमेंट करा के प्रवेश कर रहा नहीं नहीं एना एना छे एना छे हम अहाँ के कह चाहब अही के स्टूडियो अब अपने ही लेने रहिए जय कुमार यादव जी के अंतर्वार्ता उनकर अंतर्वार्ता हम चार बेर सुनलिए और एक एक लाइन हम बुझि के उनका धन्यवाद भी दिलिए कि अत्यक मैच्योरिटी अत्यक बड़का धरोहर वास्तव में कांग्रेस में रहे तो किया नहीं राख सकल के कांग्रेस में एहन एहन युवा के जमात रहे उकुश मुकुश करे देखने हेबे जे अंतर्वार्ता जे भेल रहे तो उ पहिल अंतर्वार्ता के रूप में उ स्वीकार कलके जनता समाजवादी पार्टी के तरफ से और जे जनता समाजवादी पार्टी के आदर्श और विचार के जे फ्लोट कलखिन समाज में उनकर विचार की रहे कि हम पार्टी में लिए आदर्श और विचार और हृदय राष्ट्राध्यक्ष जी के भावना और जे उनकर नेतृत्व कार्य जे शैली है वही के स्वीकार कर के हम कथी के लिए जनता समाजवादी पार्टी लिए कतौ टिकट के विषय अल आई नेकपा एमाले के कम्युनिस्ट छोड़ के धनौजी में अपने के अल जते प्रवेश कलखिन संपूर्ण कहे कि हम कोनो नहीं हम बस एक आदर्श विचार क के हम तो बहुत बड़का धोखा में रही कल तक कि वास्तव में ये तो हम बुझे छे कांग्रेसे कम्युनिस्ट कैला रहे छे से मालूम है अहाँ देखते हेबे बहुत बड़का विडम्बना है अपना सबके क्षेत्र नंबर तीन में अत्यक दिग्गज नेता सबके निर्माण भेले लेकिन कथी के निर्माण दिग्गज भेले से मालूम है कथी में विद्वता हासिल कलके से मालूम है हम संपूर्ण जनता के कह चाहे छी एहन दुख कतौ नहीं पड़े जे भाई भाई में अहाँ के मुद्दा कह कर अहाँ के दस दस बीघा जमीन बिक्री करवा दल अहाँ के आजीवन कारागार के रूप में झेल वाला मुद्दा सब करवा दल नेता सब कोनो भी काम हो तो प्रहरी चौकी में मुद्दा लगवा दे कांग्रेस के नीति रहले कम्युनिस्ट के नीति रहले अहाँ देखबे कही हम एक चीज के कथी कहे पावर के रूप में लेने ही कैला कैला कि राज्य सत्ता में हम कहली तखन ते कि हमर प्रदेश सरकार के अपन प्रहरी नहीं अपन शासन अपन प्रशासन नहीं ये तो सेंट्रलाइज है केंद्रीकृत शासन प्रशासन है
ये केंद्रीकृत मानसिकता के उपज के लक ठेकेदार के रूप में सुभाष साहब के रूप में प्रयोग आई के कथी कर रहा है कि संपूर्ण के मुद्दा लगा कर गरीब बना देने हैं जनता समय। हम कह चाहब कि स्वर्गीय सम्माननीय प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोरेला जी के एक बेर स्मरण करूँ, तो मनमोहन अधिकारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी जी के एक बेर स्मरण करूँ, तो वो सब के कार्यकाल में विराटनगर में बहुत बड़का अभियान चल रहे अवसर के लिए तेमें रहे कथी कि जूट मिल सब के अवस्था रहे था। आई अपना सबके देखे होबे जनकपुर से लक दुईटा अहाँ देखे होबे सिक्स लाइन से जोड़ल दुईटा अपना सबके बॉर्डर है न, अतबे नहीं ट्रेन भी अपना सबके जयनगर के बॉर्डर के एक सीमा है न। आई एक गोटा फैक्ट्री निर्माण अ जनकपुर से लक जटही तक किया के नहीं, जनकपुर से लक भिठा मोड़ के बीच में किया के नहीं एक गोटा फैक्ट्री के निर्माण, तो फैक्ट्रियों को खाए वाला अहिये के हमारे यहाँ के समुदाय के मधेसिये समुदाय के कांग्रेसिया सब है ना, मधेसिये समुदाय के अहाँ के एमएलए सब रहे ना, अभी तो जनता समाजवादी तो नहीं खेलते, तो युवा सबके पलायन करके मूल आधार के बनल के कांग्रेस और कम्युनिस्ट बनल के। तो हम कह चाहे कि जे तरह के अपना सबके पूर्वज जे रहे जे मधेसी के पूर्वज रहे, मधेसी के पूर्वज के गरीब बनाबे वाला कौन के भेले तो कांग्रेस कम्युनिस्ट नहीं भेले, ते दुआरे जनता समाजवादी पार्टी की केलके कि वास्तव में खारी मुलिक में नहीं जा देवे वही के प्रतिबद्धता जाहिर के नहीं है। जनता समाजवादी पार्टी ये सोचल के लक्ष्य लेल के कि नहीं वास्तव में युवा पीढ़ी के बहुत बड़का अवसर से वंचित कल गए के अवसर निर्माण करे के लिए वही कल कारखाना उद्योग कल कारखाना शैक्षिक संस्था हल अस्पताल जी का बहुत बड़का अवसर के रूप में अगाड़ी लेवे जैमें रोजगार सृजना हेतु व्यापार के अगाड़ी बढ़ेबे तेमें रोजगार सृजना हेतु। हम सब तो कह रहे हैं हमारा के अखन तो नियंत्रण के विषय से बाहर है, हम तो अखनते कहलिए प्रदेश सरकार के अपन शासन अपन प्रशासन नहीं भेला के कारण बहुत कठिनाई है, जो संविधान से बहुत चीज बाझल है। ते दुआरे स्थानीय जो अखनो चुनाव भ रहा है स्थानीय चुनाव के बहुत बड़का अधिकार से मिलल है संवैधानिक अनुसार से, ते दुआरे जनता समाजवादी पार्टी स्थानीय निर्वाचन पर बहुत सेंट्रलाइज भ गए, स्थानीय निर्वाचन समय के जे अखनो अवस्था है स्थानीय निर्वाचन के तहत जनता समाजवादी पार्टी सीरियस लेके कि जनता के अनुभूति वास्तव में स्थानीय सरकार के अनुभूति के, ते दुआरे अपन अवसर के रूप में होए या अपन चुनौती के रूप में होए अ बेरे जनता समाजवादी पार्टी के स्थानीय निर्वाचन में बहुत भारी से मत से अगाड़ी बढ़े, ये हम संपूर्ण जनता के अपने जानकारी और आह्वान भी करना चाहिए। अखन जो कहलिए अपने के तो अखन तो देखिए तो स्थानीय सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र से जीतल प्रतिनिधि हो वो तो मधेसवादी मूलधार के देखल जा रहा है। कि अखनों जो प्रतिनिधि सभा चल से क्षेत्र नंबर तीन के विगत में अं सब जोड़े मिलल छा जसपा लोकसभा तो एकेटा भी अपने के अखन भरखरे किछु दिन पहिने अपने के फूटल छै फेर से दुनू अलग अलग भऽ चुकल छै, लेकिन ओ तऽ मधेसवादी मैंडेट लऽ कऽ जीतल छथिन लेकिन एखन तक ने किछु नहि कयने छै, तैं मधेसवादी प्रति तऽ लोक विदृष्णा भऽ रहल छै आ ओहन समय मे अपने मधेसवादी के सेंटिमेंट लऽ कोना कऽ चुनाव मिलै एना छै। बहुत दुख के बात अपने देखो कटु सत्य अपने कहि रहल छी, बढ़िया प्रश्न है ओ बड़ी दुख के साथ के रहल है कह पड़ि रहल है। आखिर मधेसी जनता के चाहना कथी रहे एकता, मधेसी जनता एकता के लेल मृग तृष्णा के रूप में छटपटाए कैला जहिया संविधान सभा के चुनाव भेलै तहिया अहाँ के रिजल्ट या रिजल्ट देखल जाए या परिणाम देखल जाए तो अहाँ के मधेश केंद्रित कहो मधेशवादी नहीं कहो मधेश केंद्रित दल सबके अवस्था बहुत न्यून रहे। तो एकटा की केलकै अठोट की केलकै कि वास्तव में सबके कहल के सब नेता के केकरा हम वोट देब, तो ई अवसर भेल रहे वास्तव में जे के पी शर्मा ओली जे तरह से प्रतिगमन के मतियार के रूप में अगाड़ी प्रयोग भेले वही मतियार के प्रतिगमन के विरुद्ध में अहाँ के की भेले कि एकता भेले ई संयोग रहे और बहुत बड़का उपलब्धि भी रहे कि जनता समाजवादी पार्टी एक संपूर्ण उत्पीड़ित जात जाति के एक समग्र रूप से एकताबद्ध रूप से एकीकरण के अभियान के हिसाब से वैकल्पिक शक्ति के रूप में निर्माण करते अग्रगामी दिशा में देश के ल जाए, ते द्वारा एकीकृत रूप से जनता समाजवादी पार्टी के छत्ता छाप भेल रहे उ तो जग जाहिर है। आब जनता समाजवादी पार्टी के किछ व्यक्ति कहो अपन चरित्र कहो जे चरित्र से जे छत्ता के बदनाम करके प्रयास कलक जना हम सब अखुन तो जाए तो हमरा सबके बड़ा दुख लगे कि छत्ता छाप कही न त
तीन नम्बर क्षेत्र में बहुत एक असर पड़ल है। हम ई बात मानब छता छाप देखते कहे ई छता छाप के नहीं वोट दे तब तब कह पड़े कैला आखिर बात की। अं दुआरे कि राजेंद्र महतो जी जै तरह से बदनाम कर दिलखिन छत्ता छाप के ओ आब अखनु के समय में ते दुआरे हमर अभियान रहे चार महीना कि छत्ता के पहले पहचान के रूप में अगाड़ी बढ़ाबी। तो अखनु आब पूछा जेबे ते कहत कि वास्तव में मधेसी के एकता के रूप में प्रतीक के रूप में छत्ता है। ये चीज़ आम जनमानस में उचित चलि आयल है। मधेसी के जनभावना अनुसार के एकता कर रहे भेल रहे ते दुआरे अई एकता के मजबूत करे के लेल अभी सब यूनाइट भगले तै के लग प्रतिफल के थी है कि पार्टी के प्रवेश के हुर आल है। तो हम ये कह चाहब कि स्थानीय सरकार में आई पाँच वर्ष अगाड़ी के जनकपुर के देख अवस्था देखी। आई मान लिये मधेश में तो बहुत नगर पालिका है, उप महानगर पालिका, महानगर पालिका और नगर पालिका सब है या गाँव पालिका है। अहाँ एक की करूँ कि हम अपने के एक आग्रह कर चाहब या किनको ऐ के लागे है तो हम कह चाहब तुलना करी आई पाँच वर्ष के जनकपुर और आई के जनकपुर में बहुत भिन्नता अपने देखल जाए। ऐ के मतलब कथी है कि संघीयता के तहत स्थानीय सरकार भेले और स्थानीय सरकार में विकास के काम सब भेले। उ तो प्रमाणित है कि संघीयता सफल एक माध्यम है, सफल प्रणाली है, उ तो प्रमाणित भग गए। ते दुआरे जनकपुर के विकास के लहर जे तरह से भेले वही तरह से और मधेसी के एकता के विचार के लकर जे तरह से लाल किशोर मेहर साहब जे जनता समाजवादी पार्टी में रहले एक के मतलब है कि आ वाला दिन में जनता समाजवादी पार्टी विकास मुख पार्टी है। जनता समाजवादी पार्टी अधिकार संपन्न और अधिकार दिया वाला पार्टी है और जनता समाजवादी पार्टी संपूर्ण उत्पीड़ित समुदाय सबके एकीकृत विचार है, दर्शन है। ते दुआरे जनता समाजवादी पार्टी छाती खोल कर अगाड़ी बढ़ते ई विश्वास है। मुख्य समस्या की देख रहा जना अखन देखे तो क्षेत्र नंबर तीन अन्य क्षेत्र से किस फर्क देखल जा रहा है क्या तो मधेश प्रदेश के राजधानी क्षेत्र है जनकपुर मधेश प्रदेश के राजधानी या क्षेत्र नंबर तीन जनकपुर में है अपने के आ एखन बहुत बड़का से भ चुकल क्षेत्र तो एहन में अपने जे घूमे छी तो क्षेत्र में मुख्य समस्या की देखे छी जनता की चाहे छी। जनता चाहे परिवर्तन। जनता बहुत दबल छी। जनता परिवारवाद से ग्रसित है। जनता पूंजीवादी प्रथा से ग्रसित है। जनता अहाँ के स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार के लिए त्रसित है। हम कह चाहब कि जनता के जे पीड़ा है न वो पीड़ा आई हम जे अनुभूति के लिए कि अपना अपन स्वाभिमान जे है ना उस स्वाभिमान के रक्षा करे के लिए जना नहीं कहे पहले अपना सबके फिल्म में बच्चा रहे छे देखे छे चंबल के डाकू अब नहीं कहे चंबल का डाकू आ गया तो सब सो नहीं जाए छे। तेहन किस्म के क्षेत्र नंबर तीन के रखने है जनता के क्या गरीब जनता है। ते दुआरे गरीब जनता के जतिक खींच कर रखने छे जितेंद्र यादव मात्र नहीं जनता समाजवादी पार्टी उभरल गरीब जनता सब ई सोचलक कि हमारे अभिभावक अगाड़ी बढ़ चुकल और अ चीज़ के पूंजीवादी प्रथा और परिवारवाद के अंत हेतु विरासतवाद के अंत हेतु और जनता स्वतंत्र बुझेत। हम कह अहाँ के एक आश्चर्य लागत अहाँ बहुत बड़का प्रश्न अपने उठा दिलिये एहन किस्म के अवस्था है प्रजातंत्र के लिए तो स्वर्गीय महेंद्र नारायण निधि जी जे हमरा सबके आदरणीय पुरुष सब मधेश के आई वो जीवित रहता तो कहते थी कि वास्तव में प्रजातंत्र है तो वास्तव में प्रजातंत्र नहीं। आई प्रजातंत्र अखनो बुझा रहा है कि प्रजातंत्र के अवस्था केना सृजना भर के लिए खुला रूप से वैकल्पिक शक्ति निर्माण भ गए। जनता समाजवादी पार्टी वैकल्पिक शक्ति के रूप में अगाड़ी अल तो आब महसूस भ रहा है कि प्रजातंत्र आब आबि गए। ते दुआरे सब गोरा उत्सुक में है कि आप प्रजातंत्र आबि गए। क्षेत्र नंबर तीन के बात मात्र करे छी मतलब कांग्रेस और कम्युनिस्ट पैसा पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट पावर पर कांग्रेस और कम्युनिस्ट जै तरह से चुनाव के लकर प्रथा में हो चाहे व्यवहारिक रूप से क्या नहीं हो आई दबा कर जे समाज के रखने छे समाज के तोड़ के लिए आई हमू प्रयासरत छी और जनता समाजवादी पार्टी वही के प्रयास के लेके मतलब हमर कहना में कि स्वाभिमान सम्मान के रक्षा करत जे तरह से अधिकार विहीन जनता सबके और बोली नहीं बोल वाला जनता सबके
जे बोली देबे के अवस्था कर रहल छी जनता समाजवादी पार्टी संघर्ष के रूप में अइ संघर्ष के रूप में चुनाव के तैयारी में लागल छै। ते दुआरे संपूर्ण आदरणीय जनता सब से हम अनुरोध करे चाहबे कि विरासत बात अंत हेतै, अहाँ सबके स्वाभिमान सम्मान स्वाभिमान कायम रखबै और आ वाला दिन में युवा पुस्ता के रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य सही ढंग से उपलब्ध करेबे। इ प्रतिबद्धता के साथ जनता समाजवादी पार्टी चुनाव के तैयारी में लागल छै। श्रोता लोकन, हमरा लोकन कार्यक्रम के अंत में सेहो आबि चुकल छै। अपने सब सुन रहल छी जनक नंदनी FM 95.5 MHz आ जनक नंदनी FM के फेसबुक पेज से सेहो लाइव देख रहल छी आ जनक नंदनी SDTV यूट्यूब चैनल मार्फत सेहो हमरा सबके लाइव देख रहल छी। करीब कार्यक्रम के अंत में आबि चुकल छी। भऽ सकैए जे किछु अपने के कह के रहल हैत, हम पूछ नहि सकल हैत, तो यदि ओहन किस्से तो अपने एक मिनट में राखि सकै छी। सबसे पहले संपूर्ण देशवासी हुए, मधेशवासी हुए और आमतौर पर हम अपन जिम्मेवारी भेला क्षेत्र धनुषा जिलावासी किया नहीं हुए, संपूर्ण लोकन के हम ओतबे कहबन जे स्थानीय चुनाव है निर्भीक रूप से बिना डर त्रास, कोनो कांग्रेस कम्युनिस्ट नहीं हेतु डर त्रास विहीन अपने सबके अधिकार जे बैलेट के अधिकार है, ये बैलेट के अधिकार सही सदुपयोग करूँ, विरासत बाद अंत करे के लिए सामंती प्रथा पूंजीवादी प्रथा के अंत करी और चलखेल के साथ सामना करी। ये हम संपूर्ण जनता से हम वह अनुरोध करबे, अपने सब बूथ पर जाग, निर्भीक रूप से अपने सब चुनाव में अपन मत खसा और मत कोनो पैसा से खरीद नहीं हुए, उच्च शुभकामना संपूर्ण जनता लोकन के देवे यह आग्रह करब। चलू जितेन जी, अपने इतने व्यस्त भेला के बादो हमरा सबके बहुत कम समय में जे आमंत्रण स्वीकार करके हमरा सबके समय देलहुँ, ताहिके लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता लोकन, कार्यक्रम चुनावी चर्चा से सेहो विदा लेबाक समय भऽ चुकल अछि। अपने सब कार्यक्रम चुनावी चर्चा सुन सकै छी जनक नंदनी FM 95.5 MHz पर आ जनक नंदनी FM के फेसबुक पेज जनक नंदनी FM 95.5 MHz आ जनक नंदनी SDTV यूट्यूब चैनल पर सेहो देख सकै छी। अपने सब चैनल के लाइक सब्सक्राइब करी आ कार्यक्रम में हमरा लोकन के एते देर सुनकर साथ देलहुँ, ताहिके लेल संपूर्ण श्रोता के सहृदय धन्यवाद दैत नववर्ष 2079 के आ जुड़ शीतल के हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करैत आज कार्यक्रम से हम राजन सिंह के सेहो विदा देल जाओ। नमस्कार।